हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बनो। देखिए, आज मैं वैसा वीडियो आपके सामने लाया हूं जो कि एग्जाम स्पेशल है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बिल्कुल एग्जाम स्पेशल है। ये एग्जाम स्पेशल क्यों इसका नाम है, तो क्यों इसमें आप लोग को पता होगा कि प्रोज में 11 चैप्टर है। ठीक है, 11 चैप्टर का हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, और इससे एक्सप्लेन करने के बाद आप देखिएगा तो 2009 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बनाए रखें, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कि इस चैनल पर वैसा ही वीडियो अपलोड किया जाता है, वैसा ही वीडियो आता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट्स द न्यू सेशन। ठीक है, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं बिल्कुल फर्स्ट लेसन से करेंगे और बिल्कुल 11 लेसन तक जाएंगे। इसमें देखिए क्या क्या बताया जाएगा, तो बताते हैं सबसे पहले कि उस चैप्टर का क्रिएशन है कि नहीं है। ठीक है, यानी उस चैप्टर के जो राइटर है उसमें कोई खूबी है कि नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। उसके बाद बताएंगे कि उनको कोई प्राइज मिला है कि नहीं मिला है, और उनका जन्म कहां हुआ है। ठीक है, यानी बॉर्न इन विच प्लेस। ठीक है, बॉर्न प्लेस। ठीक है, यानी क्रिएशन बताएंगे, जन्म बताएंगे, मृत्यु बताएंगे, प्राइज मिला है कि नहीं मिला है, या इनका फेमस कोई वर्क है कि नहीं है, या फिर लोग उन्हें किस और नाम से जानते हैं, एनदर नेम। तो इसमें सारे कवर किया जाएगा, या यूं कहें तो वैसा ये वीडियो है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुरंत अपने दोस्तों के और इस चैनल से जोड़ें और उन्हें बताएं कि इस चैनल पे बहुत ही अच्छा तरह से वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, इसमें 2009 से 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप वीडियो देखने के बाद तुरंत ये हमारा मॉडल सेट हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, आप किसी भी बुक में जाके देख सकते हैं और बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है, जरूर बनेगा, ये हमारा दावा है। और आप लोग को एक और बात, अब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने पास एक कॉपी रखें, एक पेन रखें, और जो जो इसमें मैं लिखता हूं उसे आप अपने लैंग्वेज में कॉपी पे उतार लीजिए। मैं बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज भी बताऊंगा, और क्योंकि ज्यादा टाइम आप लोग के पास अब नहीं है। ठीक है, तो कॉपी पेन रखिए और वीडियो को दम पूरा देखिए। ठीक है, और एक और बात कि जब एग्जाम है, मान लीजिए आपका 4 को एग्जाम है, तो आपसे अनुरोध है कि 3 तारीख को ये वीडियो जरूर देख कर जाए, इसका फायदा आपको जरूर दिखेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, और जितने वीडियो अभी आते जा रहे हैं सब वीडियो को देखते जाएं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और ऐड करें, कुछ नया ऐड करें जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अभी ग्रामर का सेशन नहीं आया है, ग्रामर में भी ऐसा ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम से बहुत एग्जाम का से रिलेटेड होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखते जा रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक मिनट। देखिए, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, बिल्कुल कॉपी और पेन अपने साथ रखें, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, दम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी लिखे हैं। इनका जन्म की बात करें तो 1869 में इनका जन्म हुआ है, और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 1948 ईस्वी में हुई है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए, अगर एग्जाम में पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, ऑप्शन में रहे ड्रामा है, एसे है, कि पोएम है, या कुछ लिरिक्स है, या कुछ और है। ठीक है, तो ये जो है या स्पीच है, तो ये क्या है, एसे है। पहला बात, इंडियन सिविलाइजेशन कौन लिखा, महात्मा गांधी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि महात्मा का स्पेलिंग में टी के बाद ए नहीं आता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार हम ही टेस्ट लिए थे, ऑप्शन में दे दिए थे, लेकिन उबला मार दिया था। तो इंडियन सिविलाइजेशन कौन लिखा है, महात्मा गांधी। अब इनका क्रिएशन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, इनका जन्म हुआ है 1869 में, मृत्यु हुआ है 1948 में। यह एक ऐसे हैं, और इनको फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनको नोबेल प्राइज मिला है तो नहीं, मिला है कि नहीं मिला है। तो अगर नोबेल की बात करें तो स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा कि NOBEL होता है। अगर मान लीजिए कोई कोई लेखन ई लिख देता है, NOBEL लिखती, इसका मतलब होता है नेक। ठीक है, ये नहीं लिखना है, हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज। तो इनको नोबेल प्राइज के लिए 5 बार चुना गया, कितना बार, 5 बार। अगर पूछे कि इनको शॉर्टलिस्टेड कितना बार किया गया, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड यानी चुना कितने बार गया, तो 5 बार चुना गया, लेकिन एक बार भी नहीं दिया गया। अब इस भी अगर आप लोग को बताना चाहूंगा तो इस भी है इसका 1936, 37, 38, 47 और 48। ठीक है, 47 यही है ना, हाँ, 36, 37, 38 और 47, 1936 में, 37 में, 38, 39, 47, 48, लेकिन मिला है कि नहीं मिला है, तो नहीं मिला है। पहला बात, इंडियन सिविलाइजेशन कौन लिखा, महात्मा गांधी।
क्रिएशन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जन्म 1869, मृत्यु 1948। यह एक ऐसे है, डाइड हुए मतलब मर गए, नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला है, लेकिन 5 बार चुना गया था लेकिन मिला नहीं है। इनको फ्रीडम फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक लाइन याद करना है, माइंड इज अ रेस्टलेस बट द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। जो दिमाग होता है, जो मन होता है, ठीक है, जो मनुष्य का मन होता है, ये एक बेचैन पंछी होता है, फटफटाते रहता है, इंट्रैप्ड होते रहता है, ठीक है। यानी जिसके पास जितना रहता है वो सोचता है कि मेरे पास और आए। तो यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो यही है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, जो लिखे हैं महात्मा गांधी। माइंड इज अ रेस्टलेस बट दिमाग एक बेचैन पंछी होता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो जिसके पास जितना रहता है वो सोचता है मेरे पास और आए। तो देखिये हम दूसरा चैप्टर तुरंत, भारत इज माई होम। देखिए यहाँ पर सेकंड जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है भारत इज माई होम। ये लिखा गया है डॉक्टर झाकिर हुसैन के द्वारा। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, ये आपका काम है। भारत इज माई होम, डॉक्टर झाकिर हुसैन, जन्म हुआ है 1897 में, मृत्यु हुआ 1969 में, ठीक है। अब देखिए पहला जो चैप्टर था वो ऐसे था, क्या था? ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? तो ऐसे है, लेकिन भारत इज माई होम क्या है? तो यह एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है, जो कि डिलीवर्ड किया गया 13 मई 1967 को, जब ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे उसी टाइम यह स्पीच डिलीवर्ड किया गया था। भारत इज माई होम, डॉक्टर झाकिर हुसैन। ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं हमारे इंडिया के, जो कि 1969, ठीक है, 1967 को ये राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 2 साल ये कार्यरत हुए थे। ये गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। याद कैसा करना है? भारत इज माई होम कौन लिखा है? डॉक्टर झाकिर हुसैन। जन्म हुआ है 1897 में और मृत्यु हुआ है 1969 में। यह एक नेशनलिस्ट है, ठीक है, यह एक नेशनलिस्ट है, वो फ्रीडम फाइटर थे, पहला फ्रीडम फाइटर थे, ये नेशनलिस्ट है। ये एक स्पीच है, 13 मई 1967 को डिलीवर्ड हुआ है, अवार्ड मिला है भारत रत्न और पद्म विभूषण, ठीक है। अब इसमें अगर बात करते हैं तीसरा चैप्टर, मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया, पिंच ऑफ अ स्नफ, ठीक है, बहुत ही अच्छा अच्छा चैप्टर है। पिंच मतलब एक चुटकी सूंघी, देखिए ड्रग्स बोलते हैं, एक बार जो होता है ना ऐसे उबला। पिंच ऑफ अ स्नफ मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। जन्म इनका 1913 में हुआ है और मृत्यु 2010 में हुआ है। अब देखिए पहला जो चैप्टर था वो है फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, महात्मा गांधी। दूसरा जो है डॉक्टर झाकिर हुसैन, ये एक नेशनलिस्ट है। और तीसरा जो पिंच ऑफ अ स्नैप है, ये एक नोवेलिस्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इनका यह एक ह्यूमरस स्टोरी है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पिंच ऑफ अ स्नैप कैसा स्टोरी है, तो डायरेक्ट आंसर होगा ह्यूमरस स्टोरी, हास्यपूर्ण स्टोरी, ठीक है। इसमें दिमाग के बारे में बात किया गया था, यानी किस कैसे कोई आदमी अपने बुद्धि से किसी को कैसे उसको चला सकता है, यानी अपने बुद्धि से कैसे किसी बड़े आदमी को भी अपने घर पे इनवाइट कर सकता है, बुला सकता है या मिल सकता है, ठीक है। इसमें एक नानू का कैरेक्टर था, एक नैरेटर थे, नानू काका जो आए थे उनके घर पे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने, और वो पहले बोलता था कि पहले जब उनकी माता बोली नैरेटर की यानी मनोहर मालवणकर की कि तुम्हारे अंकल आ रहे हैं, यानी मैटरनल अंकल, मैडम या अंकल मामा जी आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा निराश हो गया। लेकिन जब वो मिलने गया तो उनके इंप्रेशन को देख के, यानी जो बनावट होता है उनके शरीर, मतलब शरीर को देख के या ड्रेसिंग सेंस को देख के, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं इंप्रेस हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग देख किसी को देख के इंप्रेस होते हैं, तो वह उनको ही देख के इंप्रेस हो गया, क्योंकि उनको जो हेयर था वो बिल्कुल व्हाइट हेयर था, और जो दढ़िया था बिल्कुल स्टाइल वाला था, तेरे नाम मैं हूं कैसे दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तीसरा जो चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ है मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। यह एक ह्यूमरस स्टोरी है। इंपॉर्टेंट वर्क्स में बेंड इन द गंगाज, बॉम्बे बिवेयर, प्रिंसेस डिस्टेंट ड्रम। याद करने का ट्रिक है, बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं, बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। कहां ढोल बजा रहे हैं? गंगा में। देखो बॉम्बे से बॉम्बे बिवेयर, राजकुमार से प्रिंसेस, ठीक है, गंगा में, तो ए बेंड इन द गंगा, और ड्रम बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ड्रम। इससे आसान ट्रिक ना मिलेगा। चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी, फ्रीडम फाइटर, जो हो गया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, 5 बार नाम आया नोबेल प्राइज में लेकिन नहीं मिला। भारतीय माई होम, डॉक्टर झाकिर हुसैन, 1897 1969। याद नहीं करना है, सिर्फ लिख लो कॉपिया में, बस एक दिन पढ़ के ना अभी याद करेगा ना होगा। नेशनलिस्ट है और ई जो है ये नोबेलिस्ट है। अब बात करते हैं आई एम ड्रीम के बारे में, ठीक है, बिल्कुल बने रहे। देखिए चौथा जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई हैव ए ड्रीम, ठीक है, मेरा एक सपना है, ठीक है। तो देखिए यह जो लिखा गया है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। जूनियर लिख देखना ना भूले ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए इसमें बारे में बात करें तो 1929 में इनका जन्म हुआ था यूएसए में, ठीक है, और मृत्यु हो गया 1968 में। अब देखिए 11 वो टोटल बाबू प्रोज में चैप्टर है, ठीक है, जिसमें 3 वो के नोबेल प्राइज मिला है। अब देखिए स्टार्ट हुआ
कि नोबेल प्राइज किसको किसको मिला, तो 1964 में पहला आया जिसको नाम काची है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एग्वाओ आया 1950 में, थोड़ा देर नीचे एग्वाओ आवेगा 1938 में, ठीक है। ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला है, तीनों घट रहा है 64, 50, 38, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, पहला लेसन में फ्रीडम फाइटर थे, दूसरा में नेशनलिस्ट थे, तीसरा में नोबलिस्ट थे, यह एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, ठीक है। अगर पूछे कि मार्टिन लूथर किंग क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है। अब इन जो ये अगर पूछे एग्जाम में कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, तो महात्मा गांधी से, और अडॉप्ट किए थे किसको, नॉन वायलेंस को, याद रखिएगा। डायरेक्ट ऑप्शन में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो वो महात्मा गांधी थे, ठीक है। यह इनका प्रोफेशन क्या था, ऑरेटर यानी वक्ता, यानी जिसको कहीं पर भी खड़ा कर दो, कुछ पे भाषण देने के लिए बोल दो, दे देगा, ठीक है, वही होता है ऑरेटर, वक्ता। अब ये लड़ाई लड़ रहे थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, लेकिन भेदभाव भी कैसा, डायरेक्ट आवेगा ऑप्शन में कि भेदभाव, तो कौन भेदभाव, कास्ट के, रिलीजन के, कोची के, तो ये जो है रेशियल यानी नस्ल का, क्योंकि इस चैप्टर में यह बताया गया है कि यह भाषण दे रहे थे कहां, लिंकन मेमोरियल हॉल में, ठीक है, यह हम नहीं लिखे हैं, लिंकन मेमोरियल हॉल में यह भाषण दे रहे थे, ठीक है, जिसमें यह भाषण जो था, ठीक है, यह गरीब की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि इन्हें और इसमें नहीं लिखे हैं, अच्छा, इनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं लिखे हैं हम, ब्लैक गांधी किसको कहा जाता है, ठीक है, तो ब्लैक गांधी भी यही आदमी के कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक गांधी नहीं लिखे थे लगता है, हाँ छूट गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बार आप फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम का थोड़ा अभाव है, इसमें यही तक हम इसको लास्ट करेंगे, फिर अगले सेशन में लाएंगे 6 से लेके 11 तक, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। आई हैव अ ड्रीम कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखा है, जन्म हुआ 1929 में और मृत्यु हुआ 1968 में, कहां हुआ है, तो यूएसए में। इनको नोबेल प्राइज मिला कितना में मिला, 1964 में। अब देखो अगर पूछे कि मार्टिन लूथर किंग किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो महात्मा गांधी से, और ब्लैक गांधी किससे कहा जाता था, मार्टिन लूथर किंग के, तो काहे का अलग था, काहे के इन्फ्लुएंस हुए थे, बात समझना, लॉजिक वाला बात है, ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस भी हुए किससे, महात्मा गांधी से, ठीक है। इनको ऑरेटर, इनको वक्ता, यानी इनमें से कौन ऑरेटर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑरेटर है, तो क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए ये लड़ाई लड़ रहे थे किसका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ल का, ठीक है। वहां के जो लोग था अमेरिकन का, जो गोरा लोग था, वो बोलता था कि काले वाले को, ठीक है, कि तुम लोग रियल अमेरिकन नहीं हो, तुम कहीं और से आके यहाँ बस गए हो, तो उसी के चलते ये लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। ये इनका कहना था कि जब तक मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगा, जस्टिस, न्याय नहीं मिलेगा, तो हम ये मतलब झुकने वाले नहीं है, ठीक है। और इसमें बात है, ये चाहते थे कि रेड हिल ऑफ जॉर्जिया में दोनों कास्ट के लोग एक साथ बैठे, ठीक है, इन्हीं को देखना था, इनका मकसद था, ठीक है। अब देखिए पांचवा चैप्टर, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया, बहुत अच्छे राइटर है, ठीक है। जन्म हुआ है 1872 में, मृत्यु 1970 में, लगभग लड़का जो आदमी है 100 साल लगभग जिंदा रहा है जी, देखो 1872 से लेकर 1972 दो घटा दो 98, समझ में आ रहा है, हम तो लग रहा है कि 30 से 32 में निकल देंगे। जन्म जो नोबेल प्राइज मिला 1938 में, पहला नोबेल प्राइज किसको मिला, पूरा प्रोज में सबसे पहले कौन चैप्टर में, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर में, आई हैव अ ड्रीम में, और बाद तुरंत बाद वाला आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रसल, कितना इसमें में 1950 में, उसको मिला 1964 में, तुम रट लो बाबू, छपेगा छपेगा, प्रोफेशन दम भर भर के है इनका, मैथमेटिशियन भी है, हिस्टोरियन भी है, फिलोसफर भी है। अब एक बुक याद करना, रोड्स टू फ्रीडम कौन लिखा है, तो कौन लिखा है, बर्टन रसल। पांच चैप्टर को इसमें हम बात किए हैं, हो सके थे इसी में ऐड कर दें 6 से, लेकिन अगर ऐड नहीं हुआ तो दूसरे वीडियो में मिलेंगे जिसमें 6 से 11 तक बताया जाएगा। पहले पढ़े इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी लिखे हैं, जन्म उनका देखें, मृत्यु देखें, देखें कि उनको नोबेल प्राइज में कब चुना गया लेकिन मिला नहीं, ठीक है। उनको माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ थे, उनका क्रिएशन है, फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। इसके बाद हम भारत माई होम देखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे, 1967 में इनका जन्म हुआ था, 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। जन्म भी देखें, मृत्यु भी देखें, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला है तो नहीं मिला है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है उनको। और उसके बाद बात करें तो गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तीसरा ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसमें रानू काका के बुद्धिमानी के बारे में बात किया गया है, मनोहर मालगोंकर द्वारा लिखा गया है, उन्हें भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ठीक है। उन्हें नेशनलिस्ट नोबेलिस्ट कहा जाता है। जन्म देखें, मृत्यु देखें, ठीक है। और उसमें एक रूल बताया, ट्रिक बताया कि बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं, बॉम्बे यानी बॉम्बे बिवेयर, राजकुमार यानी प्रिंसेस, गंगा में बेंड इन द गंगा, और ढोल बजा रहे हैं यानी डिस्टेंट ड्रम। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ आपके सामने आए हैं, इसे आप कॉपी में लिखिए दम पूरा, ठीक है।
कॉपी में लिखिए, फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में इसके बाद 6 से लेके 11। ये वीडियो जो है ये कल ही अपलोड होगा रविवार को, और वो अगर आ गया तो वो भी मंगल तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, भगवान आपका भला करें, उम्मीद है आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।